ऑस्कर अवार्ड 2019 के लिए असम इस फिल्म विलेज रॉक स्टार को चुना गया है। 91 एकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए इस फिल्म को आधिकारिक प्रवेश दिया गया है। असम के एक छोटे से गांव की युवा निर्देशक रीमा दास द्वारा निर्मित और निर्देशित विलेज रॉक स्टार का ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होना अपने आप में फिल्म जगत के लिए और खासकर असमिया फिल्म जगत के लिए बहुत ही खुशी और सम्मान की बात है। बहुत ही कम बजट में बनी यह फिल्म बिग बजट में तैयार हुई फिल्मों पद्मावत, राजी, अक्टूबर और मंतों को पीछे छोड़ते हुए ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में शामिल हो गई है। विलेज रॉक स्टार फिल्म ने 65वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फीचर फिल्म ट्रॉफी, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, बेस्ट लोकेशन, बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड हासिल किया था। जूरी मेंबर अनंत महादेवन ने कहा कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित करने में हमें गर्व महसूस हो रहा है। চেষ্টা কৰিছোঁ নিজে যেনেকে ভাল পোৱাকে ফিল্ম এখন বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গোটেই বছৰটো আমাৰ এটা ইমান সুন্দৰ এটা অনুভৱ ইমান ধুনীয়া এটা জাৰ্ণি এটা হৈছে আকৌ এইটো দিনৰ কাৰণে যেন এটা অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আৰু এটা বহুত ডাঙৰ সপোন এটা পূৰা হ'ল সপোন দেখোঁ আগৰ পৰাই মই দেখিছিলোঁ যেনেকে চিনেমা বনাম অস্কাৰ যাব কিন্তু সেইটো পূৰা এনেকে হোৱাটো আচলতে আনবিলিভেবল এতিয়াও মানে বিশ্বাস হোৱা নাই তথাপি আৰু সকলোতকৈ সুখী যে মই ঘৰত আছোঁ हाम्रो सिक्किम पार्टी के उपाध्यक्ष बाइचुंग भुटिया ने दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री तथा सत्तारूढ़ एसडीएफ के अध्यक्ष पवन चामलिंग ने नई दिल्ली में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से संपर्क साधा है और उसे राज्य में 10 सीट देने का वादा किया है। भुटिया ने पार्टी की पहली आम सभा में यह बात कही। बाइचुंग ने यह भी कहा कि हम सिक्किम की जनता के सामने कुछ मुद्दे लाना चाहते हैं। जब हमारी पार्टी कुछ महीने पहले लॉन्च हुई थी तो मुख्यमंत्री ने हमें बदनाम करने की कोशिश की थी। भुटिया ने बताया कि उनकी पार्टी विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। We have Hamro Sikkim Party, and in Sikkim, if we have to come as a coalition, first thing BJP will have to come out, come out clean with SDF, because you can only have one party as a coalition in state, which SDF is already a coalition as NDA from Sikkim. So once that coalition goes off, then I think other parties which are there in Sikkim, many parties, so can actually then start thinking of, for a coalition, but already when they have a partner, I think there's no chance for us to really get in. So once SDF comes out or BJP gets them out of NDA. प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष तथा मंत्री आर लाल जिल्लियाना के पार्टी से निलंबित होने से पार्टी के भविष्य पर इसका असर पड़ेगा और ऐसी संभावना है कि कांग्रेस आगामी राज्य विधानसभा चुनाव हार जाए। यह कहना है कांग्रेस विधायक लाल रिल्लियाना का। उन्होंने कहा कि मैं विपक्षी पार्टी एमएनएफ के उम्मीदवार तोनलुया से अपने ही चुनाव क्षेत्र में चुनावी अभियान में पिछड़ा हुआ हूं और मेरे चुनाव जीतने के आसार बहुत कम हैं। कांग्रेस नेताओं के बारंबार यह कहने के बावजूद कि पार्टी में कोई आंतरिक मतभेद नहीं है, विधायक की हालिया टिप्पणी ने पार्टी की छवि को साफ कर दिया है। Kan sui to thina ni e pa de sang sang po hen in ke te lu hi mi ron som ve thina tin ke ni de pon mi dan po kan som ve thoa hela hi chon ke in som ton political party de chon som ton ve ka na som na de chon mu te reng mai ke te lu mai kalom phom mai अम्बासा पुलिस ने बीएसएफ बटालियन के साथ अभियान चलाकर एक बार फिर जहर नगर इलाके से एक वाहन समेत 800 किलो सूखी भांग जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। इस भांग की कीमत बाजार में 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस दौरान 59,500 रुपए भारतीय नकद जब्त किए गए हैं।
तस्करी के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों को आगे की कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। ये नेशनल हाईवे 8 है, एक जॉइंट टीम ऑफ बीएसएफ एंड पुलिस पर्सनल, एक हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर एक कंटेनर ट्रक डिटेन करे सेई कैप्टन सर्च कराते हमरा 81 पैकेट सूक्ष्म गाजा पावा गेछे, যার এখনও আনুমানিক টোটাল ওয়েট হয়তো 800 কিলোর কাছাকাছি হবে। বেইং প্রসেস চলছে, এই সূত্রে আমরা তিনজন লোককে গ্রেফতার করেছি। ऑल नागालैंड एडहॉक टीचर्स ग्रुप की 2015 बैच ने सरकार को दिए गए 10 दिन की समय सीमा समाप्त होने पर अपनी सेवाओं को पुनः बहाल किए जाने की मांग में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 7 सितंबर को ऑल नागालैंड एडहॉक टीचर्स ग्रुप ने मुख्य सचिव को संबोधित कर सरकार को 10 दिन की समय सीमा दी थी। उनकी मांग है कि 10 दिन के भीतर सरकार 1,166 एडहॉक शिक्षकों का नाम फाइनल करे और अगर सरकार यह नहीं कर पाती है तो वे पुनः भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और किसी भी अनचाही परिस्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सिंस द एडहॉक टीचर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट इज ऑफ द स्टैंड दैट वी विल नॉट हैव एनी फर्दर नेगोशिएशन, दैट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, सो मे बी दैट इज द रीजन व्हाई द लेटर हैज बीन एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट of NSF. However, this is in the knowledge of the ENSF president and his colleagues, as well as the president of ANSTA and his colleagues. For the sake of our regularization, we have not gathered here in Kohima spending thousands of rupees putting up at our religious places, some of us even going down to the level of sleeping on just a plastic sheet. Am I not right? Right. This is not the first time, and how many times do we have to come back again?